गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुकेट। तो आज है हमारा फिफी आइलैंड का टूर और ये आज लास्ट डे है, तो हम लोग थोड़े सैड भी और हैप्पी भी हैं अपने घर जाने के लिए। तो ये पूरा आइलैंड ट्रिप रहेगा, तो इसमें अलग अलग आइलैंड्स पे हमें स्पीड बोट से लेके जाएंगे। ये पीछे खड़े हैं मेरे विपुल, ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। उसने हमसे कहा था 7:45 आ जाऊँगा, अभी तक तो आया नहीं, 8 बज गया आज। आने ही वाला होगा। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर दिया, जल्दी भी रेडी हो गए। हाँ आज एक्चुअली हम टाइम से हो गए ना, तो आज ये लोग लेट हो गए। तो वहाँ पे बीचेस पे जाके बहुत सारी फोटोज और रील्स बनाएंगे। आपने ली नहीं है एक बार भी? और कपल पोजेस जो मैंने निकाल के रखे थे ना, वो आपको मैं सिखा देती हूँ। पूछ लो। तो हम लोग पहुँच गए हैं फिफी आइलैंड के टूर पे अपने। हमारे होटल से लगभग 45 to 50 minutes का ड्राइव था, तो हम दोनों ही पड़े सोते हुए आए, बिकॉज एक तो थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, ऊपर से इतना हेक्टिक आइटिनरी, और आज लास्ट डे है हम लोग का यहाँ पे। तो पीछे ये जो है यहाँ पे हम लोग, हमारा इन्होंने बताया कि 9:30 बजे से ये लोग हमें लेके जाएंगे। अभी बज रहा है 9, तो आधा घंटा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज, तो मौसम का तो मज़ा ही आ जाएगा यहाँ आज स्पीड बोट में घूमने का। और आज हम लोग का है लास्ट डे, डे 6 एट थाईलैंड। आज रात को ही हमारी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। और मतलब ये टूर हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया पूरे 6 के 6 दिन। अगर आप लोगों ने पहले का कोई वीडियो मिस कर दिया हो या पहले का व्लॉग नहीं देखा हो, तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना, ताकि आपको सारे व्लॉग्स, पूरी सीरीज़ आराम से समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं सीधा स्पीड बोट पर, और स्पीड बोट पर ही मिलते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, मौसम अच्छा था, तो मौसम का प्रकोप देखिए, और ये बारिश हो गई, तो इट स्टार्टेड रेनिंग हियर। और ये सारी यहाँ पे स्पीड बोट्स खड़ी हैं, तो इन्हीं में से शायद कोई सी स्पीड बोट हमारी होगी। और मेरी अभी भी नज़र पड़ी, सी द नेम ऑफ दैट बोट, इट्स सी एंजल क्रूज़, तो शायद हमारी यही हो, तो एंजल जाएगी सी एंजल पे। तो जी स्पीड बोट से हम लोग आ गए थे, यहाँ छोटा सा आइलैंड है फिफीले आइलैंड, इन्होंने फर्स्ट स्टॉप रखा है फिफीले आइलैंड। और यहाँ पे जिन लोग को स्नॉर्कलिंग करनी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो उसके लिए उनको ले गए, वो लोग वो कर सकते हैं। ये हमारे पीछे जा रहे हैं देखो, स्नॉर्कलिंग वाले पूरे तो बंदे वाटर एक्टिविटीज़ करके तो हम लोगों ने एग्जॉस्ट हो गए। हाँ, अब नहीं करनी आज। एक्चुअली कैसा है ना, आज रात को फ्लाइट भी है, तो आज अगर आप पानी वानी में घुसे तो फिर जाके नहाना पड़ेगा, और नहाने का शायद हमें टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ से ये लोग फ्री करेंगे 6 बजे, और हमारा फिर वापस एयरपोर्ट के लिए पिकअप हो जाएगा शायद 7 बजे या 7:45 बजे, ऐसा कुछ है। कोकोनट वाटर पी लेंगे, शेक भी है। अरे यार कोकोनट में फिर यहाँ बदबू आएगी, लेके क्यों रिस्क लेना है। कोकोनट में भी पता नहीं, एक्चुअली सब में नहीं है, कुछ कुछ में है, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। वो बुला रही है चेची चौथा, वो बुला रही है, जाओ भाई। ये मेरे पीछे सैंड हाउस बनाने लग रही है, कुछ बना सैंड हाउस, कितनी प्रोग्रेस हो गई, देखते हैं इसकी कितनी प्रोग्रेस हुई। इंजीनियरिंग आउट ऑफ 10 कि कितना इसको रेट होना चाहिए, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। Nice. और ये रही हमारी ठेकेदार, मैं चश्मा पहन लूँ यार, यहाँ तो बहुत तेज़ धूप है, आंखें भी नहीं खुल रही। लॉन्ग टेल बोट में हमने बहुत मस्त मस्त फोटो खिंचाई, और क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ से आइलैंड का यार, मतलब सुपर्ब सुपर्ब नज़ारा। तो वी आर हेयर एट फिफी ले आइलैंड, नॉट श्योर अभी यार, फिफी ले ही है ना, फिफी ले ही है, ले या फिफी डॉन। हाँ पीछे है ना, यहाँ वाइकिंग केव्स हैं, और यहाँ का नज़ारा, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस नज़ारा हियर। लॉन्ग टेल बोट पे इस टाइम बैठे हैं, यहाँ पे इन लोग ने एक छोटे से आइलैंड पे रोका था, तो आइलैंड पे रोकने के बाद हमें ट्रांसफ़र करा इन्होंने छोटे से बोट पे, जिसका नाम है लॉन्ग टेल बोट, दिस इज़ द टेल ऑफ दिस बोट, तो दिस इज़ लॉन्ग टेल बोट। बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आई शो यू, सी वी आर जस्ट इन द मिडल ऑफ दिस ओशन, चारों तरफ ना यहाँ बोट्स ही बोट्स हैं, बोट्स ही बोट्स, और हर तरफ स्पीड बोट, और नज़ारा, ओ हो हो यार, पानी का रंग बहुत सही है, नहीं ऐसा रंग काश हमारे इंडिया में भी हो जाए पानी का, तो क्या ही कहने ना। फिफी आइलैंड अगर आओ तो आई सजेस्ट कि लॉन्ग टेल बोट तो आप करना ही, मतलब वर्थ है, मतलब वाकई दिस फिफी आइलैंड का टूर इन योर पैकेज ना, दिस इज़ वर्थ इट, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और मिडल ऑफ द ओशन है, तो मतलब नज़ारे और हवा। हम लोग एक्चुअली वहाँ जो पहले वाले आइलैंड पे रुके थे ना, वहाँ पे हम लोग जाके बीच पे नहा के आए थे दोनों जने, जाके कर ली थी तो हो गया था अपना। हाँ तो हमारे पूरे कपड़े सूख चुके हैं, इतना यहाँ हवा लग रही है, मज़ा आ गया।
और ऊपर से अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम? इसके बाद यार कोई सा एक और आइलैंड है टुवर्ड्स फुकेट, ये बीच में रोकेंगे कहीं। और बीच में एक मंकी आइलैंड भी पड़ा था, तो उधर हाँ। तो हम नहीं गए क्योंकि हमें तो अपना यूपी में और वृंदावन में बंदर दिखते रहते हैं। यार यहाँ पे लोग पागल हो रहे थे बंदर के लिए, बंदर देखने के लिए। वी वर लाइक अरे ऐसा क्या है, हमारे रोज का है, हमारे से ले लो बंदरों की फोटो कितनी चाहिए, हम ला के दे देंगे फोटो वीडियो क्लोजअप के साथ। तो वहाँ तो हमने नहीं करा कुछ भी शूट, लेकिन दिस इज़ रियली अमेजिंग। जस्ट सी, ये हमारे जो भैया हैं बहुत लहरा लहरा के बोट चला रहे हैं एक्चुअली, तो पकड़ना पड़ रहा है, वरना तो पता नहीं भाई यहाँ डूब गए तो कैसे आएंगे वापस। स्विमिंग आती है? नहीं, भैया को भी पता नहीं आती नहीं आती। तो लेट रही हो पीछे? हाँ तो लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ। ये सामने हमारे बोट पे कुछ दोस्त हैं जो हमारी बोट पे थे। से हाय, तो सब लोग को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये रही हमारी पीछे मदर बोट, यहाँ पे ये लोग सब लोग को छोटी बोट से वापस बड़ी बोट में ट्रांसफ़र करेंगे। दी मेन स्पीड, हमारा इसका लॉन्ग टेल बोट का सफ़र समाप्त हुआ, यात्रा मंगल में रही। हाय से लॉन्ग टेल बोट से निकलने के बाद ना हम लोग को यहाँ पे टुवर्ड्स फुकेट एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे रोका था, तो यहाँ पे भी बहुत बहुत सुंदर नज़ारा है। ये पीछे का पूरा व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे ना मतलब आज यहाँ पे अच्छा हुआ हम लोगों ने पहले ही पटाया में पैरासेलिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि आज यहाँ पे थोड़ा सा बारिश वगैरह है, तो आज ना यहाँ पे पैरासेलिंग बंद है क्योंकि बारिश में ये लोग पैरासेलिंग बंद कर देते हैं। और मैं यहाँ अकेला इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि एंजल कुछ कर रही है, तो इसने मुझसे कहा है कि अभी 10 मिनट के बाद आना, शायद बुला रही है अब। तो कुछ ना ये सैंड पे लिख रही है कुछ शेल्स से जब से कुछ लिख रही है, पिछले आधे घंटे से कुछ लिख रही है शेल्स से। तो मैं आ गया, आ जाऊँ अब? ठीक है, तो इसने यहाँ पे कुछ लिखा है, ये मेरे पीछे, मैं आज दिखाता हूँ। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे विपुल, क्योंकि ये विपुल का बर्थडे मंथ है और मैंने विपुल के लिए छोटा सा सरप्राइज बनाया। अरे वाह, दिस इज सो नाइस, थैंक यू। इसकी पिक्चर्स भी ले लेना, थैंक यू। अरे वाह, दैट वाज सच अ नाइस जेस्चर, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा बनाया, थैंक यू फॉर दिस क्यूट सरप्राइज। बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब ये पिछले आधे घंटे से इस चीज़ में यहाँ मेहनत कर रही थी, शेल्स बटोर रही थी, जेब में रख रही थी, बटोर रही थी, जेब में रख रही थी, मुझे नहीं पता था क्या लिख रही है क्योंकि इसने मुझे मना कर दिया था, कहते यहाँ मत आना अभी, मैं आधे घंटे के बाद अपने आप बुला लूँगी। तो इसने जब मुझे बुलाया तो यहाँ पे इसने लिखा है हैप्पी बर्थडे विपुल, क्योंकि एज शी टोल्ड मेरा बर्थडे मंथ है। इसको अभी भी मस्ती चढ़ रही है, ये इसको ना वो खेल रहा है टिपी टिपी टॉप, वुडन लॉक्स पे चल रही है, इसका अलग ही फन चल रहा है, पता ही अलग ही उसमें जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ये मतलब बहुत नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। ओहो हो हो, वहाँ हमारी बोट का इंजन स्टार्ट हो गया है, आई आवाज़ या नहीं, या और नॉस्टैल्जिक यहीं फील करना है? नहीं नहीं नहीं, छोड़ देंगे ये गोरे यहाँ? नहीं। तो हम लोग की ना ये दोनों की फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, और यहाँ के बाद अब सीधा हम लोग जाएंगे फुकेट, और फुकेट से सीधा हमारी आज ही रात की फ़्लाइट है। तो ऐसा ना, मेरे को उसका बर्थडे मंथ है लेकिन सरप्राइज़ मेरे को दिया है, तो थैंक यू विपुल। और लेकिन सरप्राइज़ ये भी अच्छा था जो इसने लिखा था वहाँ से, हम लोगों ने इतना इन्जॉय करा है, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो हमने बैंकॉक में ना छोड़, मतलब हमने अपने हिसाब से पूरा अच्छे से पूरा सब कुछ घूम लिया, जो घूम सकते थे जितना हमारे बस का था सब कवर कर दिया। हमने बहुत एंजॉय करा यार, मतलब अमेजिंग व्यूज, इतनी मतलब अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो इट्स अ रियली नाइस प्लेस, आई वुड से बहुत मज़ेदार प्लेस है। तो ये ना हमारा लास्ट है, आज का लास्ट डे है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का कोई भी वीडियो मिस कर दिया हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख सकते हैं। बाकी के सारे 5 या 6 दिन के व्लॉग्स आपको सारे मिल जाएंगे। आज का ये लास्ट व्लॉग है, लास्ट डे है, तो इसको करते हैं यहीं पर ही एंड। Till then, do like, share and subscribe to our YouTube channel which is Vyan Family Vlogs. Bye bye.